मुझे फौरन करना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊंगा। किस मतलब सीतापुर का रहने वाला हूं और मैं मात्र 2 साल का था तभी हमारे माता पिता का देहांत हो गया। हमारे पिताजी के दोस्त थे प्रधान अजीत प्रताप सिंह। हमारे पिताजी ने मरते वक्त मुझे और मेरी पूरी आराजी प्लस हवेली सब प्रधान जी को सौंप दिया था। उन्होंने कहा था जब मेरा बेटा बालिग हो जाएगा तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी के नाम कर देना, उसके साथ तुम ही रहना। लेकिन बड़े होने के बाद प्रधान जी को प्रॉपर्टी की लालच आ गई। उन्होंने नकली कागजात बनवाकर मेरा सिग्नेचर लेकर मुझे घर से बेघर कर दिया। उसी समय मैं बिजली नाम लड़की से प्रेम करता था। प्रधान जी ने मेरे हैंड राइटिंग में बिजली के पास खत लिखा और उसे हवेली पर बुलाया। हवेली पर बुलाकर प्रधान अजीत प्रताप सिंह और कोटेदार नाग सिंह दोनों मिलकर उसकी इज्जत से खेल गए और उसको मार कर गंगा में फेंक दिया। जब मैं बिजली का पता लगाने वहां पर पहुंचा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मुझसे कहा गया कि बिजली का जुर्म अपने सर पे लो अन्यथा बिजली के माँ बाप को मार देंगे। मैंने बिजली को खो दिया था, उनके माँ बाप को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने जुर्म कबूल किया, मुझे जेल हो गई। लेकिन हवादार की लापरवाही से मैं जेल से निकल गया
लेकर मैं रामू काका श्यामते काकी के पास मिलने के लिए गया। लेकिन वहां पहुंचा तो देखा कि कोटेदार नाग सिंह गोली से मारकर रामू काका श्यामते काकी को खत्म कर चुका। मैं वहां से भटकता हुआ रास्ते से गुजर ही रहा था कि आप मिल गए। बस यही हमारी कहानी, ये तुम्हारी कहानी है, मैं तुम्हारी कहानी सुनकर समझ गया। चिंता मत करो, अगर तुम मुसीबत के मारे हो हमारे साथ में रहो। रह गई बात बिजली की, बिजली नाम की लड़की एक हमारे कार्यालय में है, मैं तुमसे मुलाकात करवाता हूँ, अगर तुम्हारी बिजली होगी तो बतलाना। ये बताइए, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की बात तो है। कौन सी बात है? मैं जंगल तरफ कह रहा था। हाँ। एक लड़का भागता हुआ नजर आया, उससे क्या मुलाकात किया, बातें किया। मेरा नाम विक्रम बता रहा है। विक्रम बिजली को है ना? क्या? और सीतापुर का रहने वाला है क्या? वो तो मेरा विक्रम है। कहाँ है वो? अभी बुलाता हूँ मैं। बुलवा लाइए। सीधी से आधी लड़की थी और ये बिजली इस लिबास में, एक नाम के तो हजारों हो सकते हैं, ये मेरी बिजली नहीं हो सकती। सुनिए, तुम अनजान तुमको न पहचान पाया। तुम्हें नहीं पहचान रहा इसलिए नकाब हम आओ, 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 आओ।
तो गले लग जाओ, आओ नहीं का दिल हुआ पीके क्यों होती है इतना चलो संग मेरे कर हथियार आज भी हाँ भैया हाँ सरदार क्या इरादा है इरादा अब तो इरादा बस यही है कोटेदार नाग सिंह प्रधान अजीत प्रताप सिंह की मौत और मुझे कुछ नहीं चाहिए आइए चिंता है अरे यार चिंता इस बात की है यहाँ की पुलिस एकदम नाकारा हो गई एक मुलजिम को नहीं पकड़ पाई इसलिए एक काम करो बैग वैग में सामान पैक करो और चलो हम लोग चलते हैं बनारस जो पाप पुण्य किया है चलेंगे बनारस में गंगा स्नान करेंगे पाप पुण्य सब भूल जाएगा हाँ काशी बनारस बनारस चलो आओ चलते हेलो बनारस टीका लेकर आइए कोटेदार नाग सिंह किसको बुलाया भैया राशन बांटने के लिए बात क्या है बात क्या है देखो हम लोग कोई लुच्चा का भल्ला नहीं हाँ ठीक है काजे बात करो हम लोग भल्ला नहीं हाँ लफंगे नहीं हो तो हम लोग तो है बात क्या है बात करो बात क्या है हम लोग अच्छे बुरे इंसान अच्छे कम बुरे ज्यादा बुरे अच्छे बुरे अच्छे कोटेदार नाग सिंह जितना पूछूंगा बराबर जवाब देना नहीं तो आज फाड़ के फेंक दूंगा मैं तुम जाने जाने
ठेकेदार, तुम्हारे और प्रधान जी के कहने पर मैंने सारे जुर्म कबूल कर लिए, क्योंकि मैंने नहीं किया था। किस लिए? सिर्फ रामू काका और शांति काकी को बचाने के लिए, और इसके बावजूद भी तूने उन्हें मार दिया। प्रधान जी ने मरवा दिया तो तुमने मार दिया। एक प्रधान जी कहेंगे कुएं में कूद जा, कूद जाएगा क्यों? तुम्हारी जान बहुत प्यारी है और रामू काका शांति काकी की जान प्यारी। रामू काका शांति काकी की जान प्यारी नहीं थी, वो प्रधान जी के कहने पे तुम्हें मारना पड़ा, क्योंकि वो मजबूर थे, असहाय थे, अंधे थे, तुम्हारा कुछ कर नहीं सकते थे। अब क्या? अब नहीं मारोगे ना? अब मारने के काबिल तुम रहोगे नहीं। तो आज हम तुमको ब्लैक डॉग पिलाएंगे। तब आप उधर टेक्नोस्टाइल पर जाएगा। दूसरों की इज्जत बर्बाद करने का बहुत शौक है ना? अब करने का भी नहीं रहोगे। अब कहता है क्या उसे फिर चला? बिजली, ये है देखो, इसे तुम भी लिख दो पहले। के पटका चाचा, क्या पता बिजली, इन्हें 10 घंटे मारो, 10 रुपए मिला दिए कोई बल मटर से। ठीक है, उसके बाद बातें करो। हरा के बंदर, बंदर है ना? देखो इसका मुंह देखो। क्या कह रहा था? राशन, चीनी, तेल। बांटेगा या नहीं बांटेगा? अरे तुझे पानी में हम लोग छोड़ेंगे नहीं। कहने प्रधान जी के कहने काम करता था, आज हम लोग आज दे रहे 10 घंटा प्रधान जी को लगा। अपराध इनके भी तरफ
से स्वर्ग आया है, उनका भी कहना है कि दोनों साले का ऐसा बन करो पिटाई करके कि साले मारते मारते मार जाए। अब प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा। बात करने का समय नहीं है, पहले अंतर चलो जल्दी। देखो तुम धीरे धीरे मारना, हम जोर जोर चिल्लाएंगे, धीरे धीरे मारना, जोर से मारेंगे धीरे। हाँ हाँ ठीक है। जैसे प्रधान जी ने मार रहा है तो सबकी मार।